पूरे भारतीय किसान यूनियन पर अक्षांश जी, देखा जाए तो आज बहुत बड़ा दिन है किसानों के लिए, क्योंकि एक साल हो गया था, किसानों को बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, कभी आतंकी, कभी आंदोलनजीवी, कभी खालिस्तानी, लेकिन आज खुद देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 18 मिनट का संबोधन देते हैं और बेहद ही भावुक नजर आते हैं। लेकिन इस हृदय को मैंने वहां भी समय पहले अगर कल कितने लोगों को शहादत देना पड़ा तो पूर्व में कर लिया होता तो आज। अक्षांश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांग ली है, अब माफ कर दीजिए। इस चीज को समझ पा रहे हो? ठीक है अक्षांश जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, हम इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तब तक आपको बता दूं मैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इसको कबूल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं किसान नेता जो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, कानूनों की वापसी हो गई है, अब किसानों की घर वापसी कब होगी ये देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में दखल अंदाजी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से दिल्ली को चारों तरफ से घिरा हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है, इस दम घोटू आंदोलन से कहीं ना कहीं आम जनता परेशान हो रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम हटा रहे हैं अपनी बैरिकेडिंग्स, लेकिन हम अब दिल्ली जाएंगे। हालांकि फिर कुछ नहीं हुआ, मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन आज जो बड़ा फैसला लिया गया है उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि वाकई इतनी कोशिश विपक्ष ने की थी पूरी जाल तैयार करने की, जाल बिछाने की, उस जाल को तुरंत फेंक निकाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये बड़ा मौका है, ऐतिहासिक दिन है। देखिए, अगर बात की जाए केंद्र की, नरेंद्र मोदी सरकार की, तो ऐतिहासिक फैसले लेना केंद्र की मोदी सरकार की आदत है, चाहे वो 3 तलाक पर कानून बनाना हो, चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे वो CNRC हो, और चाहे अब वो किसान आंदोलन जो चल रहा था एक साल से और नए कृषि कानून को वापस लेना हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने फैसले को वापस ले, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे में किसान कह रहे हैं कि आखिरकार किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। ये जो जंग चल रही थी किसान और सरकार के बीच, इस जंग में किसान जीत गए हैं। जो मेहनत है किसानों की वो रंग लाई है। अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से सरकार जो है वो झुक गई है, वरना पिछले एक साल से ऐसा कोई मौका नहीं था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को इस तरह से संबोधित किया हो या किसानों के हित में कोई बात की हो, लेकिन आज ऐसा हुआ है तो इस पर भी विपक्ष जो है तंज कस रहा है। लेकिन कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसमें अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने इसका स्वागत किया और कहा कि बड़ा फैसला है, बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह भी स्वागत कर रहे हैं, चन्नी भी स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अपना जो ट्वीट उन्होंने बहुत दिन पहले किया था उस ट्वीट को दोबारा से रीट्वीट किया है उन्होंने और कहा है कि मैंने कहा था कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा और आखिरकार ऐसा हुआ है। वहीं अगर प्रियंका गांधी की हम बात करें तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में डर था कि चुनाव ना हार जाए, इस वजह से अब सरकार को समझ में आया है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मिलीजुली, लेकिन जो भी हो आज मौका बड़ा है, ऐतिहासिक दिन है, आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा,
खुशी जो है किसानों की वो भी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसी तस्वीरें, कैसा खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है? खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो भाई दूसरी ओर उनको अफसोस है कि उनको ज्यादा समय लग गया है। एक किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करके कहा है, तो उस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मिलते चतुर्थ इंसान बराबर बोल रहे हैं। निश्चित से मानवता को दरकिनार रखने वाला अमानवीय संबोधन था, अमानवीय। राम राज के विरोध था, राष्ट्रवाद के विरोध उनका राष्ट्र के नाम संदेश था। क्योंकि मैं परमाणु के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पड़ोसी के घर में कोई कमी हो, कोई जवान लड़का मरा हो, आप रोज झगड़ा होता हो, लेकिन आप सहानुभूति दर्शाने जाएंगे ही, जो में डेड बॉडी के पास बैठेंगे ही, तो सवाल इस बात का, जब 700 किसानों की शहादत हुई है, जहाँ पे सर्दियों में बूढ़े बुजुर्ग सिकुड़े हैं, महिलाएं जली हैं, गर्मियों में बरसातों में लोग भीगे हैं, तो सब सहानुभूति करने समय नहीं था? जितेंद्र, बाकी जो और यहाँ पर किसान मौजूद हैं उनसे भी बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या वो बीजेपी के नेताओं को माफ करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माफी मांग रहे हैं। नेताओं को माफ करिए जिन्होंने आपको खालिस्तानी कहा, जिन्होंने आपको जो है फर्जी किसान। जी बिल्कुल नहीं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके लिए फांसी सजा कुछ नहीं है, काला पानी जहाज में जाकर संबोधना चाहिए। क्योंकि 700 किसानों के अभी जो मरे हैं, उनके आंसू अब नहीं पहुंच रहे हैं, हम कैसे माफ कर देंगे, बताइए मुझे कैसे माफ। खुशी नहीं है, किसी कानून वापसी की खुशी नहीं है, सब पूछिए जितेंद्र से। क्या आपको किसी कानून की जो वापसी की जो बात की गई उसकी खुशी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, मरमाहत बहुत हूँ। गारंटी क्यों नहीं, एमएसपी पर गारंटी की बात क्यों नहीं? 700 किसानों की शहादत हुई, उनके लिए सहानुभूति दो शब्द क्यों नहीं, बताइए मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ, कानून गलत होने से क्या किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? यानी जितेंद्र, जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो है, कुछ लोग बेहद नाराज हैं और भी, लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं। जितेंद्र, और भी वहां पर लोग मौजूद होंगे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल से यहां पर काफी संख्या में किसान जुटे हुए थे। उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अब वो क्या वापस जाएंगे, अपने घरों का रुख करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब घर लौट जाइए। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है, लेकिन राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम जो है इस जो उन्होंने कहा है उससे हम संबंधित नहीं है, उनको जो है उनको रिजीवन देना होगा, संसद में लिखित में देना होगा, उसके बाद हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। अन्यथा आंदोलन जिस तरह से चलता रहा है, आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्या घर लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षमा याचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी है और कहा है कि आप किसानों को घर लौट जाना चाहिए और हमसे गलती हुई है, हम नहीं समझ पाए, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा है कि कुछ किसान ऐसे हैं कि प्याज जैसे प्रकाश लेने के बावजूद हम उनको नहीं समझा पाए हैं, और यहाँ जो हम किसानों से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में तो कहा है, लेकिन जब तक वो लिखित तौर पर उनको नहीं दिया जाएगा तब तक वो आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। तस्वीरें दिखाइए जितेंद्र, कैसी खुशी, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर जलेबियां बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो आपको चारों तरफ जो है किसान और मीडिया के कैमरे ही आपको दिखाई देंगे, चारों तरफ जो है किसान पूरी तरह से है। और अगर सामने की बात की जाए तो आप देखेंगे किस तरह से किसान जो है मिठाइयां बांटकर, किसान जो है मिठाइयां बांटकर जो है अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर तो कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है वो बहुत पहले कह देना चाहिए था, एक साल तक जो 700 किसानों की जो मौत हुई है वो तब तक नहीं होती। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी गाजीपुर बॉर्डर की, किस तरह से खुशी का माहौल वहां पर बना हुआ है, हालांकि कुछ ऐसे किसान भी हैं जो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिली जुली है। बहुत ऐसे किसान हैं जो खुश हैं और कह रहे हैं कि अब हम घर वापसी आराम से कर पाएंगे, चैन की नींद सो पाएंगे। किसान नेता अक्षांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षांश, मेरी आवाज क्या आपको मिल पा रही है?
अक्षांश आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, अक्षांश ये आवाज आ रही है। अक्षांश ये बताइए कि अब घर वापसी की क्या तैयारी है? देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि पूर्व में बहुत प्रकार की बातें हो चुकी हैं, घर वापसी उसी दिन होगी जिस दिन शीतकालीन सत्र में इन तीनों काले कानूनों को वहां पर रख करके और समाप्त कर दिया जाएगा। यानी तब तक घर वापसी नहीं होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया उसके बावजूद भी नहीं होगी, नहीं हटेंगे मतलब किसान? नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था ना कि काला धन नहीं वापस लाएंगे, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। एक कहावत पुराने जमाने में आपने भी सुनी होगी, दूध के जले मट्टा फूंक के पिया जाएगा। और अभी कृषि कानूनों के साथ जो MSP की गारंटी की बात है उस पर भी बात होना बाकी है, जो इतने ढेर सारे हमारे किसान नेताओं के ऊपर और हमारे किसान भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए उन पर बाकी है। एक लंबी पूरी फहरिस्त तैयार है जो किसानों से संदर्भित मामले हैं। तो अक्षांश क्या लगता है अब ये जो केंद्र की सरकार है वो झुक गई है, घोषणाएं कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मिनट का संबोधन आज देश के नाम दिया, इसमें बड़ा फैसला लिया गया, आगे क्या उम्मीद है कि MSP पर भी बात होगी, बात बनेगी, जो FIR दर्ज हुई है किसानों पर वो वापस लिए जाएंगे, जो शहादत हुई है किसानों की उन पर माफी मांगेंगे किसान नेता, क्या लगता है? बिल्कुल, जितनी भी मैं इस जो भी फैसला आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फैसला किया गया है, मैं इस फैसले का बहुत पूरे संगठन की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं फिर से एक बार आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, इतना आज खुशी का अंतरात्मा से हृदय खुश है कि सभी उन लोगों का बार बार धन्यवाद प्रेषित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिन लोगों ने लगातार इस लड़ाई में सहयोग किया है, चाहे वो मीडिया बंधु रहे हो, चाहे वो किसान नेता रहे हो, या किसान भाई रहे हो, या संगठन के जो भी लोग रहे हो, या विरोधी दल के लोग रहे हो, जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने का कार्य किया है। और ये आंदोलन कोई खुशी से नहीं कर रहा था, ठंड में आप लोग चूंकि उसको अपडेट कर रहे थे, आप लोग देखते थे वहां हाईवे में इतनी सुसुराती हुई हवा जब निकलती थी ठंड में कि लोग बिल्कुल बर्फ हो जाते थे। बुरा वक्त देखा है, चाहे वो ठंड का हो, बरसात का हो, चाहे वो भीषण गर्मी का हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आपने देखा गर्मी बरसात सब कुछ आप लोगों ने देखने का कार्य किया। उसके बाद कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी कह दिया गया ये लोग इस देश से नहीं है, विदेशों से फंडिंग, मतलब इतनी देश की बातें की गई। आज तकलीफ इस चीज की है, खुशी के साथ जो एक छोटा सा दुख है कि अगर ये निर्णय सही समय पर ले लिया गया होता तो जो परिवार के जो 700 लोग आज हम लोगों के बीच इस खुशी को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब खुशी का मतलब हम लोग उनके साथ मिलकर के खुशी नहीं साझा कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस फैसले के कारण। आखिर में सवाल यही है कि आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा फिर एक बार बैठक करेगा और जो देश में जिस प्रकार मुझको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, हर देश के जितने भी लोगों को जहां जहां का प्रभारी बनाया गया था उन सभी लोगों को मीटिंग में बुलवाया जाएगा और अगले अगले जो भी बिंदु थे देश के अलावा दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश के हर कोनों में अन्य अन्य शहरों में भी आंदोलन जो लगातार चल रहे थे उन सभी लोगों के विचार विमर्श राय के आज अपनी बात सुनी जाएगी और आने वाले जो भी निर्णय है ठीक है। अक्षांश शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं, बहुत खुशी है किसानों के भीतर, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द भी है क्योंकि 700 किसानों की शहादत जो है इस एक साल में हुई है, इस आंदोलन में हुई है, तो उसका दर्द बना हुआ है लेकिन खुशी भी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांगी है, क्या बाकी नेता भी क्षमा मांगते हैं और किसान क्या माफ कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।